सो टीम ताजा खबर, वेलकम टू बिग एफएम। थैंक यू। तो सबसे पहले मुझे चारों एक एक करके ये बता दो, लेट्स स्टार्ट विद यू भुवन। ताजा खबर सबसे ज्यादा लाइफ में अभी कौन सी है भुवन की, अगर पूछू तो? मेरी लाइफ की सबसे ताजी खबर तो यही है कि ताजा खबर जो कि एक बहुत ही दिल से बनाया हुआ शो है, वो आने वाला है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 6 जनवरी को। आई एम श्योर लोगों को पता ही होगा अभी तक, पर यही है ताज़ा और यही ताज़ा ही रहेगा ये काफी महीनों तक, काफी दिनों नाम तक। की तरह। व्हाट अबाउट यू गाइस, प्रथमेश, श्रिया? ताज़ा खबर तो यही है कि कुछ पर्सनल लाइफ में कुछ होने वाला है जल्दी। वारो भाई, वारो। थैंक्स। कब का? थैंक्स भाई। कब का सब बता दूं अभी? कितनी? कांग्रेट्स। यस, नो बट स्टिल कांग्रेट्स। यस, थैंक यू सो मच। हो जाएगा। श्रिया, ताज़ा सर मेरा आंसर होने वाला था, बट बिसाइड्स दैट आई एम शूटिंग एन एक्साइटिंग फिल्म और पहली बार एक मेरा एक सॉन्ग होने वाला है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। ओके ओके, एंड इनके लिए तो यही कहूंगी कि ताजा खबर ये सारे इनके फैंस के लिए, दैट आफ्टर सो लॉन्ग वी आर गोइंग टू सी हिम। थैंक यू सो मच। इन्होंने बताया कि काफ़ी अरसे बाद मैं देखने मिलूंगा। जी हाँ, मैंने ब्रेक लिया था पिछले 2 साल, मैं अपने आप को रिजुविनेट करना चाहता था और ओटीटी प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करना चाहता था, तो मैंने टेलीविजन से थोड़ा ब्रेक लिया है और अब मैं ओटीटी को एक्सप्लोर करना शुरू किया है विथ ताज़ा खबर, और उसके बाद मैं वन आफ्टर दी अदर शोज करूंगा ओटीटी के लिए, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। जस्ट टेल अस, लाइक ये जो कास्टिंग है पूरी, ये कैसे हुई थी एंड हाउ द थॉट ऑफ ताज़ा खबर एक्चुअली केम? ये सपना है, ये कास्टिंग नहीं है, ड्रीम है ये। ये राइट फ्रॉम हुसैन भाई एंड अब्बास भाई टेलिंग मी कि एक ऐसा शो है ताज़ा खबर करके और आप उसमें वस्या करेंगे, वहाँ से लेकर टू हैव श्रिया एज मधु, प्रथमेश एज पीटर एंड देवेंद्र सर एज महबूब भाई, इट्स बीन अ ड्रीम। मतलब आप इन लोगों को देखते हो टीवी पे, आप इन लोगों के बारे में सुनते हो, आप इन लोगों के बारे में पढ़ते हो, और फिर एक दिन आप इन लोगों के साथ ऐसे बैठ के हमारे शो का इंटरव्यू दे रहे होते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दे रहे होते हो, तो आई थिंक इट्स सरियल और आई कांट मीन्स इट इन टू वर्ड्स दैट हाउ आई फील, बट आई श्योरली फील ब्लेस्ड। Okay, and any moment which you guys can actually share from the sets जो बहुत ही ज़्यादा memorable हो for you guys? ऐसे तो बहुत हैं, but I really enjoyed जो मधु वस्या का जो एक गाना है, वो हमने रात को मरीन ड्राइव पे शूट किया था, and I remember it was special because तब भुवन ने मुझसे कहा था, उसने एक तस्वीर दिखाई थी and said that I was right here those many years ago जब मैं पहली बार मुंबई आया था, and look at life, अब मैं यहाँ पे गाना शूट कर रहा हूँ, so I thought that was so beautiful. Yes. Bhuvan has manifested like I think his entire this is your dream life, right? You can say so. I don't know if I have worked hard enough for this or I have gotten this by chance, but I'm really happy to be here right now and to be able to do something जो मैं बहुत दिल से करना चाहता हूँ लाइफ में, क्योंकि और कुछ आता नहीं मेरे को। क्लास में भी बी नाम है तो रोल नंबर वाइज दूसरी बेंच पे बैठा होता था, तो उसमें क्या कर रहे हैं, तो मेरे जितने भी ख्वाब हैं वो हमेशा कॉपी के लास्ट पेज पे होते हैं, क्योंकि आगे पीछे कुछ नहीं लिखा मैंने, हमेशा लास्ट पेज पे कुछ ना कुछ लिखता रहता था मैं, कि कोई पोएम लिख दी, कुछ लिख दिया ऐसे करके। सो आई थिंक यार, व्हाट टॉकिंग टू यू स्पेशली व्हेन इट कम्स टू यू बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर, एंड देन कमिंग एट दिस स्टेज इन योर लाइफ, हाउ, लाइक इफ आई आस्क यू इन वन लाइन और टू लाइंस, इफ यू कैन जस्ट डिफाइन योर एंटायर जर्नी, सो किस तरह से डिफाइन करोगे? जो बहुत कम है एक दो लाइन में डिफाइन करना, बट स्टिल कुछ अगर जहन में हो तो। आई थिंक मैं ये पहले भी एक बार बोल चुका हूँ कि मेरे को ना दिन में सपने देखने की बहुत आदत है, क्योंकि वो फिर मैं रात में पूरे कर पाता हूँ, और यही मेरी जर्नी है कि मैं डे ड्रीमिंग बहुत करता हूँ। मैं अभी इंटरव्यूज के बीच में बैठ के मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं एक ऐसी फिल्म कर पाऊँगा कभी जिसके अंदर फलानी चीज़ हो, एंड नाउ आई थिंक एंड आई वर्क टूवर्ड्स इट, सम डे आई बी एबल टू डू दैट। सो आई थिंक वो चीज़ कॉन्स्टेंटली चलती रहती है, और जो आज हम कर रहे हैं ये शायद मैंने कभी किसी सपने में देखा हो जो मुझे अभी याद नहीं, बट मैं इन चीज़ों में काफ़ी मानता हूँ कि अगर आप सही में कुछ सोचो कि आपको करना है तो कभी ना कभी, आज नहीं तो कल। ओके, और ये सवाल आप चारों से है कि वन थिंग विच यू गाइस लव अबाउट मुंबई? मुंबई की पानी पूरी बहुत बढ़िया,
वड़ा पाव भी मतलब खाने का अगर मैं तो घर ही है सुधरा थिंग्स बट बचपन में बीच की यादें लाइक सैन कैसल द बीच यहां की जनता का वार्म मुंबई के लोग मुझे मुंबई के लोग बहुत पसंद है मैं किसी भी हाल में चाहे कितना ही मुझे लियोर ना किया जाए मैं मुंबई छोड़ के कहीं नहीं जाकर सेटल हो सकता And for you, Delhi or Mumbai? Delhi. Yeah, he's very clear about that. Very clear. Very clear? Yes. Okay, very quick game, which is called My First. Okay, अपनी सारी पहली चीजों के बारे में बात करनी है. So, my first. So, पहला सवाल है, my first car. First car? अभी ली है Creta. मेरा तो ब्रांड का नाम लेना अलाउड होना ही चाहिए बिकॉज़ अदर टू अदर क्या तो एग्जैक्टली मारुति सेकंड हैंड मारुति या हां फर्स्ट कार है बॉट बॉट अ पोलो वोक्सवैगन ओके वोक्सवैगन पोलो ओह वाओ आई जस्ट रिसेंटली गॉट अ बीएमडब्ल्यू सेविंग्स हो रही है ओके इन्वेस्ट कर रही हूं इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी इससे जस्ट माय फर्स्ट एक्सपेंसिव थिंग व्हिच आई बॉट कोई भी स्टार्ट कर सकते माय करंट हाउस करंट हाउस दिस कार मुझे भी करंट हाउस ही है आई हैवंट बॉट द हाउस आई डोंट रिमेंबर ओके माय फर्स्ट फैन बॉय मोमेंट लेट्स स्टार्ट विद यू फैन बॉय ऐसे तो बहुत सारे थे पर जो जीता हुए सिकंदर के टाइम फिल्म फेयर में आई गॉट नॉमिनेटेड इन द फर्स्ट कैटेगरी तो तभी दे वर लाइक बिग नेम्स परेश रावल नसरुद्दीन शाह एंड वेरी बिग नेम्स और उसके साथ मेरा एक छोटा सा देवेन भोजानी नाम जुड़ गया और ये आकर इन्फॉर्मेशन किसी ने मुझे बताई और मुझे मैं अभी आपके साथ एक फोटो ले सकता हूँ सो देर वॉज नो कनेक्शन आई डिडंट गेट के ये इसका क्या कनेक्शन है बट इट वॉज सो वियर्ड बट वो दोनों तरफ से मेरे लिए वो एक फैन बॉय मोमेंट था आई मीन नॉट मी एज अ फैन पर किसी और बट हाँ माई फर्स्ट मोमेंट वॉज व्हेन आई हैड गॉटन अ गिटार गिफ्टेड मैं कहीं परफॉर्म कर रहा था और मैं अपना गिटार वो बहुत पुराना गिटार हो गया था 5 साल हो गए थे तो उसमें से फीडबैक बहुत आता वो गिटार में से ऑडियो फीडबैक तो मेरे को हमेशा ना मॉनिटर के टेढ़ा रह के बजाना पड़ता क्योंकि वो चू चू सीटी मारता था तो मैं जिनके लिए परफॉर्म कर रहा था वहाँ पे रबी शेरगिल साहब आए तो उन्होंने नेक्स्ट डे ब्रांड न्यू गिटार उन्होंने मुझे भेजा या दैट्स माय फर्स्ट Shreya, fangirl moment? Fangirl moment was on the film Fan where I was Shah Rukh's love interest. But it's so sad that I had to friend zone him in that film. Imagine, Shah Rukh is giving you love and you have to be like, no, main dost banna chahti hu. Like, why? मुझे actually, मैं जब भी एकांकी वगैरह करता था, तभी मैंने एकांकी के time, BP के time, मतलब बालक पालक जब एकांकी थी, तभी एक बंदा मेरे को आके random ऐसे बोल के गया. कि उसने एक फ़ोटो भी निकाली मेरा ऐसा था परफॉर्म करके निकलो भाई नेक्स्ट परफॉर्म करने जाना है तो वो मुझे आया उसने कहा अशोक सराफ लक्ष्मीकांत बेरेडे ये बहुत बड़े नाम है तो उसने मुझे ऐसा कहा कि तुझ में ना मुझे अशोक सराफ दिखे ना लक्ष्मीकांत बेरेडे दिखा मुझे सिर्फ तू दिख रहा था और मुझे उस टाइम पर कुछ समझा नहीं बाद में जब मैंने घर पर जाके सोचा ना मुझे यार ये कुछ बड़ी बात कह गया यार ये और वो थोड़ा नाटक वगैरह देखने वाला था तो मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे लिए First job and first paycheck amount. Sir, मैं after graduation मैं साथ में theater करता था और job के लिए मैंने salesman की job ली थी जहाँ soda maker machine हुआ करते थे जहाँ वो कुछ पानी भर के bottle डालो और फिर कुछ cylinder attach होता था वो फस करो तो पानी का soda बनता है तो वो machine हुआ करती थी तो वो उसका मैं salesman था और घर घर जाकर मुझे वो machine बेचने थे demo देकर सो वो मेरा फर्स्ट जॉब था और मेरी सैलरी थी 1000 रुपीज़ पर मंथ और 60 रुपीज़ पर मशीन सोल्ड पर कमीशन मिलता था मेरा फर्स्ट जॉब ग्रेट सो मेरा पहला जॉब मैं एक रेस्टोरेंट में म्यूजिक करता था प्ले मोती महल डीलक्स करके एक चेन है मुगलई रेस्टोरेंट की तो वहाँ पे हमारा ट्रियो परफॉर्म करता था तो मुझे महीने के 300 रुपये मिलते 300 a month Okay.
लगे श्रिया? I won't call it a job, but like my first paid gig was as a child. I was a voice artist for a couple of these shows that would come, and I was paid I think 2,000 or 3,000 rupees for the whole thing. But it was so exciting, and immediately मैंने सब खर्च कर दिया उसी दिन. मुझे बालक पालक जब की थी तब पैसे मिले थे पहली बार, और वो traveling में ही खत्म हो गया. मतलब अंधेरी से ठाना जाना पड़ता था शूट के लिए, तो traveling में ही खत्म हो गया. Okay, this is the last one. Okay, what if you get superpower? He will answer this question. अब अलग बताने के लिए. हाँ. मैं तो कह रहा हूँ सुपर पावर. हाँ, just don't. भाई, भाई, भाई. We can guess each other superpower. Okay. तो मुझे किसी के मतलब दिल के दिल का कुछ पता चल जाए तो अच्छा हो जाए. Specially लड़कियों का, क्योंकि पता चल के भी प्रॉब्लम क्या है वो पता चले तो अच्छा है, क्योंकि पता चल के भी पता नहीं चलता प्रॉब्लम क्या है. तो वो एक सुपर पावर में चाहूंगा. ओके, और ये सबसे पहले किस पे चाहोगे कि वो मैं नहीं बताऊंगा. जिनसे बात पक्की हो रही है ना उनसे. हाँ. श्रिया, टू नो ऑल द लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड एंड टू बी एबल टू लाइक टेलीपोर्ट गो वेयरएवर आई वांट टू एंड टू मेक अ लॉट ऑफ मनी. आई डोंट केयर आंसर. हाँ, मेरा ऐसा है कि क्लियर कट है कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं एक नोट छापने की मशीन बनाऊं जो कि इनविजिबल हो. ये सबने हमें सवाल पूछा, नाउ वी आर जस्ट मिक्सिंग अप. हम अपने उसी आइडिया को वैसा कर रहे हैं, क्रिएटिव कर रहे हैं, थोड़ा चेंज कर. भुवन से सब लोग पार्टनरशिप कर लो. मैं चाहूंगा, मुझे अगर पावर मिले तो मैं चाहूंगा कि मेरे सर के पीछे भी दो आंखें हों, ताकि मेरे पीठ पीछे लोग क्या बोलते हैं मुझे सब समझ में आ जाए. हाउ क्रिएटिव, वेरी क्रिएटिव. सर ने मुझे पहला बोल के सोच लिया, इसलिए हर बार मेरे से बात होती है. तो आप लोगों को बहुत टाइम मिलता है, टाइम नहीं मिलता. करेक्ट करेक्ट, दैट्स ग्रेट. ओके, ताजा खबर इज कमिंग. न्यू ईयर्स पे पहला शो लोग देखने वाले हैं. सो मतलब टीम क्या बोलना चाहोगे, कैसे लोगों को इनवाइट करोगे टू वॉच द शो? 6 जैन को ताज़ा खबर इज गोइंग टू रिलीज ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार. ये है हमारा ब्यूटीफुल कास्ट, भुवन का ओटीटी डेब्यू. इनफ रीजन टू वॉच इट? नहीं, देयर आर मेनी, देयर आर मेनी मोर रीजंस, देयर आर मेनी मोर रीजंस टू वॉच इट. जिसमें से एक है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने अपने साल की, नए साल की शुरुआत कुछ बढ़िया देख के करें, और मैं वादा करता हूँ ये शो उन बढ़िया चीज़ों में से एक है. आप इसको एक मौका दीजिए, और इसलिए मत दीजिए क्योंकि हम आपको कह रहे हैं मौका दीजिए. हम कह रहे हैं इसलिए दीजिए क्योंकि इस शो में दिल है, और ये दिल आजकल कई जगह नहीं मिलता. आपको यहाँ मिलेगा, तो आप देखिए और बताइए कैसा. That's great. Thank you so much, and wishing you all a very happy new year as well. Thank you. 92.3